कि ऐसा कार्यक्रम हो कि कभी किसी मुख्यमंत्री का नवलगढ़ में हुआ ही नहीं हो। मैं आपके विश्वास, केंद्र के गृह मंत्री जी की, अमित शाह जी की जो सभा हुई थी चुनाव में, उसी जगह उसे कई गुना अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर हम लोगों को ये अच्छा लगेगा। दुनिया स्वाद के साथ सेहत भी। दुनिया लाया है टोंड मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, डबल टोंड मिल्क। इसके साथ ही दुनिया आपके लिए लाया है छाछ, दही, पनीर व छेना और मावा से बनी मिठाइयाँ। अभी ऑर्डर करें 9024959530 और पाइए फ्री होम डिलीवरी। सबके साथ एक जय श्री राम का नारा, जय जयकार लगाते हो। जय श्री राम। लगता है कि जल है तो कल है। आज इस कार्यक्रम में और ऐसे कार्यक्रम में हमारा भी सबका और शेखावाटी का खूब बड़ा सौभाग्य है कि हमें पानी तो मिला ही मिला, पर इस कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री जी के स्वागत के कार्यक्रम से पहले हमारे साथ में हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे पास जलदायु विभाग के मंत्री हमारे साथ विराजमान है, आदरणीय सुरेश जी रावत, जिनको विधायक तो मैं आज बना हूं पर इनके बॉर्डर पे मुझे प्रचार करने का लगातार 10 साल तक अवसर भी मिला था, क्योंकि वहां परबसर से विधायक मेरे बड़े भाई मान सिंह जी एज ए विक्रम जाखली थे और 10 साल तक इनकी दो तीन ग्राम पंचायतें ऐसी थी जो पी मारवाड़ जाते तो पहले इन्हीं की ग्राम पंचायत आती थी पुष्कर की, उसके बाद में पी मारवाड़ आता। तो आज हमें बहुत खड़ी खड़ी खुशी की बात है, इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के और आदरणीय सांसद साहब के लिए भी कई शब्द है कहने के लिए कि मुझे दो तीन दिन में इन्होंने लगातार ये कहा था कि मेरा 5 साल इस तरीके से निकला है कि जो 5 साल के पीरियड में जितने काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे कार्यकाल में किया है, ना तो पहले हुआ ना आगे होगा। ये कल आप कह रहे थे ऐसे सांसद नरेंद्र जी खिचड़ साहब और हमारे भारतीय जनता पार्टी को भी और हम सबको बहुत बार अवसर मिला है। मेरा हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय मुकेश जी भाई साहब के साथ था और जब से ऐसे लगा है इनके पास आने जाने का अवसर जब कार्यालय में मिलता रहा तो हमें बहुत अच्छा भी महसूस होता है, क्योंकि आप हमारे जिले के हो और वहां बैठ करके प्रदेश लेवल पे आप नेतृत्व कर रहे हो, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की कि आपका सब किन शब्दों में आपके लिए मैं क्या आदर भाव प्रकट करूं, क्योंकि आप और हम सब और आपके पास तो काफी जगह की पहले भी हमारे पहले से भी आपके पास जिम्मेदारी रही है और आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी के भजन लाल जी के जहन भी कई कार्यक्रम होते हैं, निश्चित रूप से समर्पित भाव से उन कार्यक्रमों को और पार्टी के कार्यक्रमों को सफल करने के लिए लगातार लगे रहते हैं। ऐसे मुकेश जी भाई साहब और जिले के जिलाध्यक्ष जी आदरणीय पवन जी मावंडिया जी, जिन्होंने लगातार पूरे जिले में संगठन को और संगठन के अलावा आज बनाई राजस्थान की सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर पवन जी ने लगातार कांग्रेस के राज में अपनी मेहनत करके संघर्ष करके हर कार्यक्रम को सफल करके जिले लेवल पर और आपने भारतीय जनता पार्टी को लगातार निरंतर मजबूत करने का काम किया है जिले में। ऐसे आदरणीय पवन जी मौंडिया साहब इस मंच पे विराजमान हमारे
पूर्व नगर पालिका चेयरमैन सैनी संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जी, जिन्होंने भी लगातार अपनी मेहनत करके इस नवलगढ़ के अंदर कमल खिलाने के लिए कतई कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इनका हृदय से खूब स्वागत आभार भी व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारे सुभाष जी लामा जी, बीजेपी कई बार यहाँ लागतों की कदे पहले दिया की बात चलती आई है कि बीजेपी नवलगढ़ की एक को नहीं हुए और जो ही सुभाष जी का नाम आवाज जाती है एक कर देता। यहाँ का सुभाष जी लामा जी, जिनके पास अपनी खुद की ग्राम पंचायत थी, दो दो पद सरपंच भी और पंचायत समिति सदस्य भी। आपका इस क्षेत्र में खूब प्रेम भी है आपके भाव की वजह से। पुजारी की ढाणी सरपंच प्रतिनिधि, अब मैं सबके लिए लगातार ऐसे बोलता रहूंगा तो हमारे मंत्री जी कहेंगे कि ये तो अपने वालों की ही, तो मैं मोहन सिंह जी, प्रताप जी पूनिया और महेश जी चौधरी साहब, आपकी भी बहुत शानदार मेहनत रही, रात और दिन आप लोगों ने खूब शानदार एक करके भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष बनाए हुए हैं और पदाधिकारी जितने भी है मंजू जी, और मैं सभी नवलगढ़ के भारतीय जनता पार्टी परिवार और नवलगढ़ के प्रबुद्ध जन नौजवान और विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी सरपंच प्रतिनिधि, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, हर एक कार्यकर्ता की तरफ से मैं आदरणीय राउत साहब का बहुत बहुत इस नवलगढ़ की धरा पर, राम साहब पीर की धरा पर स्वागत करता हूं। मंच पे विराजमान सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। साथ में आप लोगों ने सब बता भी दिया कि 1994 से लेकर के जो यमुना जल के लिए लगातार संघर्ष चल रहा था, जो शेखावाटी की मांग थी, वो निश्चित रूप से वो मांग सरकार बनने के कुछ समय बाद ही सौते ही पूरी हो गई। तो मैं मंत्री जी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये तो स्वागत का कार्यक्रम जल देने के बाद हो रहा है। शेखावाटी के वो मजबूत लोग हैं, वो शेखावाटी के एक एक कार्यकर्ता मजबूत है, मेहनती है, जो मुख्यमंत्री जी को बुला करके और मान सम्मान देकर के और बाद में भी मांग रखने की ताकत रखते हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी हमें कुछ देकर के आ रहे हैं, इसलिए हम पूरे पलक पावड़े बिछा देंगे। हमें एक एक बात का ध्यान है, 1994 के समय में 5 मुख्यमंत्री एक जगह बैठ गए थे, जिसमें भैरू सिंह जी भी थे, जिसमें मदनलाल खुराना भी थे, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे, वीरभद्र सिंह जी भी थे। 5 मुख्यमंत्रियों ने तय किया था कि यमुना का पानी शेखावाटी में और जिस जिस क्षेत्र में जाना चाहिए वहां जाना चाहिए, लेकिन तय नहीं हुआ। आज की स्थिति यह है कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब का सबसे ज्यादा हम सबको मिलकर के स्वागत करना चाहिए कि उन्होंने हम सबके लिए इतना प्यार दिया है। वो इसलिए कह रहा हूं कि पहले एक शर्त ऐसी भी थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये लिखित में दे दिया था कि कैसे भी पानी दे दो, सारा खर्चा हम दे देंगे, चाहे निर्माण का हो, चाहे नहर का हो, चाहे पाइप का हो, चाहे आपका कोई भी खर्चा। लेकिन देखो आज जब डबल इंजन की सरकार बनी, केंद्र के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और यहां हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जो बनते ही सबसे पहले उन्होंने पूर्वी राजस्थान की पानी की समस्या को दूर की, अब शेखावाटी की समस्या को दूर किया, तो मैं उनका खूब
नवलगढ़ का विधायक होने के नाते नवलगढ़ की जनता की तरफ से भी, शेखावाटी की जनता की भी तरफ से भी मैं स्वागत कर सकता हूं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो आप सबके आशीर्वाद से मैं सिंगल विधायक हूं यहाँ आसपास में, इसलिए मैं ये स्वागत। और अब मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा नवलगढ़ के क्षेत्रवासियों को, शेखावाटी अंचल के कहीं भी मेरे इस कार्यक्रम को, इस बैठक को सुन रहे हैं पूरे क्षेत्र के जिलेवासियों से भी मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि हम सबको जल देने वाले, क्योंकि हम लोगों ने, मैं आदरणीय रावत साहब को कहना चाहूंगा कि मुझे दिल्ली के अंदर ये तय करके कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी पहली बार पानी लेकर के शेखावाटी के लिए और कल एयरपोर्ट 10 बजे तक पहुंचेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि सबसे ज्यादा शेखावाटी में नवलगढ़ के कार्यकर्ता जयपुर के एयरपोर्ट पे उनके स्वागत के लिए पहुंचे। तो मैं आज यही कहना चाहूंगा कि अभी से हम लग जाएंगे, वैसे लग तो कल ही से चुके थे हम लोग, बात पर यह तय करके दिखा देंगे कि नवलगढ़ के हर बूथ से, हर गांव और ढाणी से और दोनों नगर पालिका से मुख्यमंत्री जी के लिए स्वागत करने वालों की बाढ़ आ जाएगी। सब परत पावड़े बिछा करके बैठे हैं इस बात को लेकर के कि हमारे ऐसे सरल स्वभाव के धनी और सबके बीच में रहने वाले और सबसे मिलने वाले, जब भी हमें टाइम लेने की आवश्यकता नहीं होती, खाली मैसेज देने की आवश्यकता होती है कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना है। पहले राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री है जिनसे मैं एक विधायक को 8 बार अब तक मिल चुका हूं, शायद पिछले मैं किसी पार्टी की और कोई बात नहीं कहूंगा, बहुत बार ये सुनते थे कि मुख्यमंत्रियों से एमएलए का मिलना महाभारत के युद्ध से बड़ा है। और मैं जब तक अब जब भी बार इनसे मैं मिला हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री से राजस्थान को सदैव मिलना चाहिए। मेरी आत्मा से कह रहा हूं कि जब भी मैं इस झुंझुनू और नवलगढ़ के लिए कोई काम लेकर गया हूं, मैं नवलगढ़ के सभी क्षेत्रवासियों को कहना चाहूंगा, एक भी काम आपका अभी तक नहीं रोका है। और आगे की प्लानिंग में बताना चाहूंगा कि पानी के मामले में तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि कितनी बड़ी तकदीर की बात है, मुख्यमंत्री जी से पहले जलदाय विभाग के मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में बैठे हैं। जब आप इनके पास हम जाएंगे तो ये आज का कार्यक्रम और 28 तारीख का कार्यक्रम स्वागत का इनको लगातार याद रहेगा, ऐसा स्वागत होना चाहिए। मैं आपके विश्वास पे इनको कहना चाहूंगा कि आपको अभी से वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर इस तरीके से लग जाओ और प्रचार जनमानस तक सूचना पहचान पहुंचाने के लिए हम सब एक एक कार्यकर्ता यदि जिम्मेदारी ले लेंगे तो उस दिन मुख्यमंत्री जी आएंगे। ये तय कर लेना मुख्यमंत्री जी क्या है, जिस दिन आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारोगे तो मैं कह रहा हूं नवलगढ़ की तस्वीर चेंज हो जाएगी विकास के लिए। विकास का एक भी काम नहीं रुकेगा। हमारा सौभाग्य भी है कि मुख्यमंत्री जी बनते ही, बनने के बाद यमुना का जल का देना और उनका नवलगढ़ आना, नहीं तो हमें मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देकर के बुलाना पड़ता कि आप नवलगढ़ के आकर के देखो, नवलगढ़ की स्थिति और परिस्थिति देखो। जहां 70 साल में कभी कमल का फूल नहीं खिला है, ये हमारी इच्छा थी कि वो आए और बदराणा जोड़ की और किसान की बात भी बताएंगे उनको। तो आप सब लोगों को विशेष मेरा निवेदन है, विशेष आग्रह है, जितना जो भी साधन लगाना चाहिए, जो व्यवस्था करनी चाहिए आप लोगों को कर लेनी चाहिए। आज तक का नवलगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम कभी कमजोर नहीं हुआ है। मेरा आप सबसे विनती है, आग्रह है कि ऐसा कार्यक्रम हो कि कभी किसी मुख्यमंत्री का नवलगढ़ में हुआ ही नहीं हो। मैं आपके विश्वास पे मंत्री जी को विश्वास दिला दूं तो आप दोनों हाथ ऊपर उठा करके ये तय करो कि अब भी जाकर मैसेज कर देंगे कि इतनी संख्या में 18 पौधार देवलियन
घूम चक्कर के आगे वहां हम सबको पहुंचना है, जहां हमारे केंद्र के गृह मंत्री जी की, अमित शाह जी की जो सभा हुई थी चुनाव में, उसी जगह उसे कई गुना अच्छी होनी चाहिए। तब जाकर हम लोगों को ये अच्छा लगेगा कि पहली बार मुख्यमंत्री जी आते ही वो गदगद होने चाहिए। पेवोलियम का कार्यक्रम इसलिए तय किया है कि अभी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और सांसद साहब ने बताया कि हमारे साथ चार विधानसभा के लोग और भी आए गए, है ना, इसलिए वो कार्यक्रम तय किया है। तो वही बाबा राम साहब पीर की तस्वीर आशीर्वाद के साथ वही उनको दे देंगे मंदिर का वो। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आए हुए सभी मेहमानों का। और अब हम सबको लग जाना चाहिए। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। आज नवलगढ़ में आयोजित इस बैठक में मेरे साथ पधारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष, संगठन शिल्पी जिन्होंने वर्षों तक मेहनत करके पार्टी के लिए काम किया, ऐसे मेरे बड़े भाई मुकेश जी दादी साहब, झुंझुनू लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नरेंद्र सिंह जी खिचड़ साहब, आप पिछली बार 13 से 18 में विधानसभा में मेरे साथ ही रहे, हम साथ ही बैठते थे, एक ही बेंच थी हमारी, फिर दूसरी बार भी बड़े कुछ समय बाद फिर एमपी बन गए। इस विधानसभा के लोकप्रिय युवा और नवलगढ़ की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में शहरी की तरह गूंजने वाले ऐसे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विक्रम जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई पवन जी, यहाँ के पूर्व चेयरमैन साहब रहे सुरेंद्र जी, महेश जी, मोहन जी, प्रताप जी, राहुल, दिनेश जी, मंजू जी और भी सभी जो लोग करूँ कार्यकर्ता बंधु, पार्टी के सभी पदाधिकारी और माताएं बहन भाई, आपको सारी चीजें हैं तो सांसद महोदय ने और मुकेश जी ने, जिलाध्यक्ष जी ने इन सब ने बता दी। बस मेरा तो नवलगढ़ के सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि परसों की जो सभा है वो आभार सभा है। आभार किसका और किस लिए? आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए कि जो 1994 के अंदर जो बात चली थी, 30 साल बाद अगर किसी को धरातल को उतारने का काम किया तो माननीय भजनलाल जी ने किया। जल ही जीवन है, जल के बिना जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जब सुबह झुंझुनू था तो काफी लोग मिलने आए, कुछ किसान भी थे, कुछ कार्यकर्ता भी थे, तो मैं पूछ रहा था कि पीने के पानी का यहाँ क्या साधन है, तो सब लोगों ने बताया कि ट्यूबवेल और वर्षा से संचित का है, एक पास में भान जरूर है लेकिन उसकी भी कोई निश्चिंता नहीं है। और क्योंकि अपना ये एरिया है, तीन जिले चूरू, झुंझुनू और सीकर, यहाँ पानी की किल्लत थी। आप और हम जानते हैं कि एक जमाना था जब पीने के पानी के लिए अपने गांव और गली और मोहल्लों के अंदर लाइन लगती थी, अपनी माताएं बहने सिर पे मटका लेके कोई समय का अंदाजा नहीं निकलती थी और सब लोग परेशान होते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जल जीवन मिशन उन्होंने पूरे देश में चालू लागू किया और इसी के तहत आज झुंझुनू जिले के अंदर भी कई जगह हर घर जल, हर घर नल का काम चल रहा है। और इस सोच को आगे बढ़ाते हुए ये जो यमुना का पानी अपने नवलगढ़ में आए, इसके लिए हरियाणा सरकार ने कई बार बात करने की कोशिश करी, राजस्थान सरकार ने हरियाणा से, लेकिन बात नहीं बनी। समय गुजरता गया, डीपीआरए बदलती गई, पहले केनाल से आने वाला था उसमें भी राजी नहीं हुए, फिर पाइप की डीपीआर बनी उसकी भी बात नहीं बनी,
और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को कि उन सब ने मिलकर ये बहुत ही बहुत प्रशिक्षित इस योजना का एमओयू प्रक्रिया शुरू हुआ। और ये यमुना का पानी आने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पीने के पानी की तो हमेशा समस्या के लिए समस्या का समाधान होगा ही, सिंचाई के लिए भी वो काम आएगा क्योंकि यहाँ बांध बढ़ेंगे, पानी भरेगा, पीने के पानी का स्टोरेज बढ़ेगा, ड्रिंकिंग वाटर का डैम बढ़ेगा, तो आसपास के जो कुएं हैं वो भी उससे रिचार्ज होंगे, ट्यूबवेल भी रिचार्ज होगी। इसलिए हमारे क्षेत्र में समृद्धि लाने का ये एक अच्छा माध्यम बनेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तो सब कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि इस ऐतिहासिक काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने क्षेत्र में बुला के उनका आभार व्यक्त किया जाए, सभा के माध्यम से उनका आभार व्यक्त किया जाए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी का आभार व्यक्त किया जाए, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का। तो मेरे साथियों से निवेदन है कि आप 28 तारीख को 1 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करें। और जब माननीय केंद्र के अंदर बैठे बैठे नरेंद्र भाई मोदी जी जब आपकी विशाल आभार सभा को देखेंगे तो वो भी सोचेंगे कि भाई जल्दी चालू करो इस काम का, क्योंकि इस काम में पैसा बहुत लगना है। 19,500 करोड़ की डीपीआर बढ़ेगी लगभग, मोटा मोटी अभी तो फाइनल होगी तब एग्जैक्ट अमाउंट आएगा, लेकिन मोटा मोटी 19,000 करोड़ की ये लागत से बड़ी परियोजना बनने वाली है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबको साधुवाद देता हूँ कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया, मत दिया, और नवलगढ़ की धरती को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि पहली बार उन्होंने विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलाया और रिटर्न गिफ्ट के रूप में मोदी जी ने और बहन लाल जी ने आपको यमुना का जल देने का की जो सौगात दी, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नवलगढ़ की धरती पे आ रहे हैं, तो आएंगे तो निश्चित रूप से यमुना के साथ साथ उस देख के भी जाएंगे। इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या के अंदर वहां जाए, उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें, ज्यादा से ज्यादा वहां संख्या में पहुंचे। अब हमारे आने पे आपने मान सम्मान स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और ये जो योजना है ताजावाला हेड से 260 किलोमीटर लंबी है, कितनी 260 किलोमीटर लंबा सफर तय करके यमुना का पानी हिमालय की गोद से निकला हुआ नवलगढ़ की धरती पर आएगा, 3 बड़े-बड़े पाइपों के साथ आएगा। इसके लिए कल 28 तारीख को बड़ी से ज्यादा संख्या में पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।